नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC Solutions with अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली 8 बजे RPF SI के प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करते हैं। आज हम करेंगे 13 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट थर्ड का, उसके जीके के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, चीनी यात्री जो चाइना से आया यात्री था हेन सांग समकालीन थे। जो हेन सांग थे वो किसके समकालीन थे? तो वो हर्षवर्धन के समकालीन थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग स्थल मार्ग से भारत आया था। ठीक है, वह चीन से 629 ईस्वी में भारत आया और भारत से 645 ईस्वी में चीन लौट गया। हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। उसे अपना ग्रंथ यूसी के नाम से लिखा। उसने अपना ग्रंथ किससे लिखा? यूसी के नाम से लिखा था, CUK। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? अगर मैं बात करूं मूल कर्तव्य की, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार है। अब बात की गई है आर्टिकल 32 की, इसको देख लेते हैं। इसको B.R. अंबेडकर जी के द्वारा हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। आर्टिकल 32 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है, रिट्स जारी करता है। अगर यही चीज़ आपसे हाई कोर्ट की पूछ ली जाए, हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, यह समय में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों के रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शाखा में जा सकता है या शरण में जा सकता है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा, हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान की आत्मा भी कहा। अन्य सभी मूल कर्तव्य हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीन कहता है, विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान किसके बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। किसी विद्युत आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चार कहता है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें जो ज्वाइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की व्यवस्था होती है। जो ये संयुक्त बैठक होती है, जो जॉइंट सेशन होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। जॉइंट सेशन का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 108। दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, और इनको बुलाता तो अपना राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, चेयरमैन कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो इस दायित्व का निर्वहन करता है। देखो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो क्या होगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर वो भी नहीं है तो जो राज्यसभा के उपसभापति होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। प्रश्न 5 कहता है, गडजात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अगर मैं बात करूँ गडजात पहाड़ियाँ की, तो वो उड़ीसा में स्थित है। गडजात पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। गडजात पहाड़ियाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार उड़ीसा और झारखंड राज्य में है। यह पूर्वी घाट का उत्तरी विस्तार है। मलयगिरी गडजात पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा कहता है, मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो ये देख लेते हैं, जो मूल संरचना है उसका जो वो किया गया था, केशवानंद भारती केस के आधार पर किया गया था। केशवानंद भारती केस बनाम केरला राज्य, जो केशवानंद भारती केस था वो केरला राज्य के विरुद्ध था। 1973 में संविधान पीठ ने 7-6 के मत से ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इसके तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? तो 1908 में जो ओलंपिक खेल थे उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी। आपको याद रखना है, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896। कहाँ से हुई? एथेंस से हुई। वर्ष 1908 में ओलंपिक का आयोजन लंदन यूके में हुआ। इसी ओलंपिक में ओलंपिक खेलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1908 में दिया गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, फॉर्मूसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? तो वो आपकी मेनलैंड चीन से अलग करती है। फॉर्मूसा जल संधि ताइवान को मेनलैंड चीन से अलग करती है तथा पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है भाई, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है, जो सतपुड़ा है उसका सर्वोच्च शिखर क्या है? धूपगढ़ है। कौन सा है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है। जो सतपुड़ा श्रेणी है वो भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम से पूर्व राजपीपली की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बच्चों? भार कहलाता है। किसी वस्तु का भार, वेट, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल और इससे गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी और द्रव्यमान एम के गुणन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भार का एसआई मात्रक या एसआई इकाई न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में रनिंग एवं चेजिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? तो रनिंग और चेजिंग किसकी है? खो खो की। भाग के पकड़ना, रनिंग मतलब भागना, चेजिंग मतलब उसको पकड़ना। तो खो खो जो है एक भारतीय स्वदेशी खेल है। इस खेल में मैदान के दोनों ओर दो खंबे होते हैं, दोनों दलों में 12 खिलाड़ियां होते हैं। रनिंग एंड चेजिंग इसकी एक अनूठी विशेषता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई? जो मंत्री परिषद है उसकी अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत तय की गई? जो 91वां संविधान संशोधन था, 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके द्वारा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्धारित किया गया कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 15% होगी। ठीक है, जहां सदन संख्या 40-40 है और वहां अधिकतम 12 होगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, को जापान के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 21 यह घोषित करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, प्रिम्स इंटरस्पेयर्स
शब्द प्राइम्स इंटर पारेस निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो वो प्रधानमंत्री को दर्शाता है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें दर्शाता है। प्राइम्स इंटर पारेस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बराबरों में प्रथम। इसका प्रयोग ऐसी स्थिति के लिए किया जाता है जिसमें किसी समूह में सभी सदस्यों का औपचारिक दर्जा बराबर होता है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति वास्तव में उस समूह का नेता होता है। प्रधानमंत्री को बराबरों में प्रथम का दर्जा प्राप्त है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था। तो जो तुलनात्मक लागत है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तुलनात्मक लागत सिद्धांत की विवेचना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में किया था। इस सिद्धांत को तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार व्यापार करने वाले देशों को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेनी चाहिए जिसे वे दूसरी वस्तुओं की तुलना में कम लागतों पर उत्पादित कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्रोमेटिन कहलाता है। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण किया जाता है जो क्रोमेटिन कहलाता है। क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स में संघनित होता है। एक गुणसूत्र क्रोमेटिन का एक अत्यधिक संघनित रूप है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की क्या है जो पवन ऊर्जा उत्पादन है क्षमता जो है वो सबसे अधिक है। भारत का विश्व में पवन ऊर्जा के उत्पादन क्षमता में चौथा स्थान है। अगर टोटल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें चौथा स्थान है। आर्थिक आंकड़े 31 मार्च 2023 के अनुसार ये आपने नहीं देखना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जो क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो वो आपका पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है। आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया निमित होती है, अर्थात अवयवीय कण क्रिस्टल जालक में निश्चित बंधुओं पर उपस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से किस खेल में वेलिंगटन टेबल का उपयोग किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है? जिम्नास्टिक में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जो प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? जो प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश वो किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? वो आपके हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का संस्थापक निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खां था। निजामुल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। वर्ष 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की तथा 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। अगर आपसे पूछ ले कि हैदराबाद की स्थापना कब हुई, तो 1724 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में नहीं है? तो अगर मैं बात करूं केबुल लमजाऊ, वो आपका कर्नाटका में नहीं है। केबुल लमजाऊ आपका मणिपुर में स्थित है। जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन है? केबुल लमजाऊ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है। यह लोकटक झील पर स्थित है। आपने याद रखना है कौन सी झील पर? लोकटक झील पर। यहाँ नृत्य करने वाली हिरन संगाई निवास करता है। नागरहोल बांदीपुर बनेरघट्टा उद्यान कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। जो भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी वो 1948 में की गई थी।
भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित निजी एवं सार्वजनिक नियंत्रित अव्यवस्था की नींव रखी गई है। इसमें उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सभी के सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) जो आर्टिकल 75(3) है, उसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है। अंततः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। जो रायबरेली है उसके जो सैयद अहमद हैं वो किस आंदोलन से जुड़े थे, तो वहाबी आंदोलन से जुड़े थे। वहाबी आंदोलन का प्रारंभ 1820 में पटना बिहार के आसपास हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। यह एक धार्मिक पुरुषनादवी आंदोलन था जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मूल इस्लाम में किसी प्रकार के परिवर्तन की निंदा करना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है, तो थांगटा मणिपुर की मार्शल आर्ट शैली है। मैं बात करूँ थांगटा की, मणिपुर, थोड़ा हिमाचल प्रदेश, मर्दानी खेल महाराष्ट्र और कुटू वारिसाई ये आपका तमिलनाडु की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, हैबर विधि कहलाती है। व्यापक स्तर पर अमोनिया हैबर विधि द्वारा बनाई जाती है जिस कारण इसे अमोनिया का औद्योगिक निर्माण भी कहते हैं। इस विधि द्वारा अमोनिया बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। इस विधि में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया बनाई जाती है। ठीक है, मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है। अगर मैं बात करूं मानक मुद्रा की तो उसमें क्या होता है, वो होता है आपका आंतरिक मूल्य। मानक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मूल्य वस्तु के रूप में गैर अमौद्रिक उद्देश्यों के लिए भी उतना ही है जितना कि मुद्रा के रूप में उसका मूल्य है। अर्थात इसका अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य बराबर होता है। इस तरह के सिक्कों का धारक चाहे तो उन्हें पिघालकर धातु के रूप में अथवा मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकता है, क्योंकि सिक्कों में धातु का मूल्य उतना ही होता है जितना उनका मौद्रिक मूल्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, आखिरी मुगल शासक कौन थे। तो अगर मैं बात करूँ बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह सेकंड की, तो वो आखिरी मुगल शासक थे। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 मुगल वंश का अंतिम शासक था। यह जफर उपनाम से शायरी किया करता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इन्हें रंगून बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, दिए गए विकल्पों में बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो जो रिले रेस होती है उसमें बैटन का उपयोग होता है। जैसे रिले रेस में 100 × 400 की या 400 × 4 की होती है, उसमें जो एक डंडी सी पकड़ाई जाती है उसको हम बैटन कहते हैं। रिले रेस एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है जो ओलंपिक खेल में एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है। रिले रेस एक ऐसा इवेंट है जहां 4 एथलीटों को एक टीम स्प्रिंट रेस के समान दूरी तय करनी होती है। प्रत्येक रेसर एक
रोट जैसी वस्तु को अपनी रेस पूरी करने के बाद अपने साथी एथलीट को देता है जिसको अगली रेस दौड़ती होती है, इस वस्तु को बैटन कहा जाता है। उसके बाद है ढाका जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपका बीरू गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं बात करूँ बगदाद तो टिग्रिस नदी के किनारे, ढाका बीरू गंगा बूढ़ी गंगा, पेरिस सीन, मॉस्को मोसाकावा, अंकारा किज़िल, ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, तो अगर मैं बात करूँ मोटर वाहन की तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक या कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी आदि इसके उदाहरण है। जो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, मोटर वाहन इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सुडोन जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो अगर हम बात करें सवाना या सुडोन की, तो देखो सवाना या सुडोन जलवायु एक संक्रमण कालीन प्रकार की जलवायु है जो भूमध्य रेखीय जलवायु है। यह सूडान में सबसे विकसित रूप में है जहां शुष्क और आर्द्र मौसम सबसे अलग होते हैं। यहां की वनस्पति में स्वाना घास के मैदान हैं, इसकी विशेषता लंबे घास और छोटे पेड़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो अगर हम बात करें गोदावरी नदी की तो त्र्यंबकेश्वर के पठार। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। परवरा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रमंडल खेलों की तो डेविड डिक्सन ट्रॉफी दी जाती है। कौन सा पुरस्कार, डेविड डिक्सन ट्रॉफी। राष्ट्रमंडल खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिए जाने वाले डेविड डिक्सन ट्रॉफी पुरस्कार की स्थापना सन 2002 में मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान की गई थी। यह पुरस्कार सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका की दिव्यांग या विकलांग तैराकी नताली डू टिट को दिया गया। भारत के समरेश जंग को वर्ष 2006 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है, तो आपका साइक्लोरोपिन स्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 तिरंगपट्टम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई, जो तिरंगपट्टक है उसकी प्रसिद्ध संधि, तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जो एंग्लो मैसूर वॉर था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर उसमें हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, टीपू ने अंग्रेजों का सामना किया किंतु सफल नहीं हो सका, वर्ष 1792 में तिरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के तहत मैसूर क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा ब्रिटिश निजाम एवं मराठा को गठबंधन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है खारदुंग ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, अगर हम बात करें खारदुंग ला दर्रा की तो ये आपका भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। खारदुंग ला दर्रा जम्मू और कश्मीर में लद्दाख में नुब्रा और शयोक घाटियों में प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध है। यह दर्रा लद्दाख रेंज में स्थित है जो लेह से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है, अगर हम बात करें संसद की पार्लियामेंट की तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245(2) के तहत संसद अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकती है। इस प्रकार संसद के कानून भारत के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर लागू
होते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी। अगर हम बात करें जो अवधि है वो 6 महीने तक रहती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल मतलब जो 5 वर्ष है उससे आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा विधि बनाकर इसे एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 6 महीने से ज़्यादा इसको नहीं कर सकते। उसके बाद है सहायक संधि का सिद्धांत। जो सहायक संधि है उसका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है, तो यह आपका लॉर्ड वेलेज़ली से संबंधित है। लॉर्ड वेलेज़ली कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहता था, उसके प्रदेशों को विस्तार करना चाहता था और भारत के सभी राज्यों को कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में लाना चाहता था, इसलिए उसने सहायक संधि का सहारा लेकर भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद के निज़ाम, ये आपने याद नहीं रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं, तो अगर हम बात करें सूफी धर्म से, उस धर्म से हमारे संबंधित हैं। सूफी मत इस्लाम धर्म में उदार, रहस्यवादी और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। भारत में प्रमुख सूफी सिलसिला निम्न है, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला और सतारी सिलसिला, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है, तो अगर मैं बात करूँ गोबी डेजर्ट की तो वो आपका मंगोलिया में पाया जाता है। चीन और मंगोलिया गोबी डेजर्ट, भारत और पाकिस्तान थार डेजर्ट, तुर्मेकिस्तान काराकुम और चीन तकला मकान, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो अगर हम बात करें गोम्बिट की वो हमारा क्रिकेट से संबंधित नहीं है। गोम्बिट शब्द का संबंध शतरंज से है, इसमें खिलाड़ी परिणामी फायदेमंद की स्थिति में प्यादे को त्याग देता है, अन्य सभी क्रिकेट से संबंधित हैं, जैसे फ्री हिट हो गया, सिली पॉइंट हो गया, ऑफ ड्राइव हो गया, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद आता है कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लोह चुंबकीय गुण को बराबर रखता है, तो अगर हम बात करें स्थायी चुंबक को तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोरकाई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था, तो वो था आपका पांडव साम्राज्य। देखो पांडवों ने मुद्रे में शासन किया, यह भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित था। कोरकाई इनकी प्रारंभिक राजधानी और बंदरगाह था जो बंगाल की खाड़ी के साथ थमीरबरानी के संगम के पास स्थित था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शीरा रचना पाई जाती है, तो जाल वाली शीरा रचना पाई जाती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है, तो कृषि प्रधानता जो होती है वो अविकसित अर्थव्यवस्था की होती है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, बनारस के केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी, अगर मैं बात करूँ एनी बेसेंट की तो उन्होंने क्या किया था, बनारस के केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। सेंट्रल हिंदू स्कूल को सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में जाना जाता था, इसकी स्थापना वर्ष 1898 में एनी बेसेंट ने वाराणसी में की थी। इसका ध्येय वाक्य था ज्ञान जीवन शक्ति है। इस विद्यालय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जननी मात्र संस्था होने का गौरव प्राप्त था। उसके बाद डिस्कस करते हैं आज का अपना आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। शरीर को कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है, तो मैं बात करूं स्थितिज ऊर्जा की,
तो स्थिति अथवा आकार के कारण पिंड में जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई बदलने पर स्थितिज ऊर्जा बदली जाती है। ठीक है, ये अपनी आज की शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल SSC Solutions with अनुज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।